Good morning everyone, 7th class. Today is 30th of November 2020. Our day is Monday, last day of this month. Hum padh rahe hain chapter number 11. Chapter number 11 hai Transportation in Animals and Plants. Humne exercise shuru kar di hai. Exercise ke question number 6 tak humne jo wo complete kar liya hai. So, now coming to the next question. Question number 7. Question number 7 hai. Does transpiration serve any useful function in the plants? Explain. ठीक है, ये वो रहा है कि जो transpiration होती है, जैसे हमारे अंदर भी transpiration होती है, हम लोग जो वो carbon dioxide जो वो छोड़ते हैं and oxygen जो वो अंदर inhale करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है? वैसे ही जो transpiration जो होती है plants में, ये वो रहा है कि वो useful क्यों होती है, उनका जो useful function क्या useful function होता है उनका, तो उसको explain करिए. ठीक है, तो आपको पता है कि जो लीव्स है वहां पे जो वो फूड तैयार होता है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है. ठीक है, तो जो वाटर जो वो एब्जॉर्ब किया होता है रूट्स ने, वो जो वो जाइलम के थ्रू ऊपर तक जाएगा. ऊपर जो वो जितना जो वो आपको पता है कि जितना वाटर जो वो फूड तैयार करने के लिए जो वो चाहिए होगा वो यूज हो जाएगा. बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसके जो वो वेपर बन जाएंगे और वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर लीव से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा जो वो इवेपोरेट होगा उतना जल्दी ही नीचे से जो वो जाइलम के थ्रू जो वो वाटर आएगा. मतलब जितना जल्दी जो वो ऊपर मतलब जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी ऊपर उतना जल्दी जो वो नीचे से ऊपर तक पानी जाएगा. ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए यहाँ पे लिखा है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. आंसर देखिए, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल which can pull water to great height in the tall tree. ठीक है, तो इसलिए जो वो जैसे देखिए, मान लो जैसे ऊपर जो वो evaporate हो गया, ऊपर जो वो पानी नहीं बचा मान लो, तो नीचे से जो वो जल्दी जल्दी से पानी ऊपर तक जाएगा. तो इसलिए जो वो ये बहुत ही important process है evaporation का. ठीक है, और यहाँ पे लिखा है tall tree, बहुत लंबे लंबे trees पर भी ऊपर पहुंच जाता है. आपने जो वो नारियल के पेड़ देखे होंगे ऊपर, ठीक है, आपको पता है कि नारियल के अंदर जो वो पानी कैसे आ जाता है, तो ऐसे ही इसी के थ्रू जो वो ऊपर तक पहुंचता है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट ही पूछा है, डिटेल में नहीं लिखना है हमने. तो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गए. ठीक है, तो इनके बारे में अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हो तो आप पीछे फिर से देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज ब्लड नीडेड व्हाई ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, वो रहे कि ब्लड जो वो सभी पार्ट के लिए जरूरी क्यों है. सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्लड जो वो, ब्लड का जो फंक्शन है, ब्लड के जो काम है वो क्या करता है. ब्लड देखिए, ब्लड सभी जगह तक जाएगा, जैसे आपके हार्ट जो वो उसको पंप करेगा, ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, सभी पार्ट तक पहुंचाएगा. तो ऑक्सीजन का सभी पार्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है. तो ये तो एक ब्लड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया. तो ये कारण है कि ब्लड जो है वो सभी पार्ट में होता है और सभी पार्ट में इसकी जरूरत है, क्योंकि ये सभी पार्ट तक पहुंचेगा तभी तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, तभी तो और कई सारी मतलब जो फूड है वो सभी पार्ट तक पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स जो वो सभी पार्ट तक पहुंचेंगे, इसलिए ब्लड जो वो सभी पार्ट में होना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ब्लड दैट्स नेक्स्ट नहीं इसका आंसर देखिए, द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, फूड और ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल. ठीक है, हमारी बॉडी जो वो सभी पूरी बॉडी जो वो पूरे बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है. ठीक है, उन सेल्स को जो वो फूड की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एक्सीजन. ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो ही जो वो बहुत सारा जो वो वेस्ट जो वो वहां तक पहुंचाता है. ठीक है, फिर से ब्लड सॉरी हार्ट तक पहुंचाता है या हमारे लीवर तक पहुंचाता है. ठीक है, वहां पे जो वो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है. तो बहुत जरूरी है ब्लड का जो वो सभी पार्ट तक पहुंचना, और ब्लड का जो वो सभी पार्ट में, सभी जो भी बॉडी के ऑर्गन है सभी पार्ट में होना बहुत जरूरी है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. ठीक है, ये वो रहा है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो रेड क्यों होता है, किसके कारण होता है रेड. तो हमने पढ़ रखा है कि जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है. हमने एक चीज पढ़ी थी कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और यही सबसे ज्यादा भी होते हैं.
ठीक है, रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये जो वो रेड इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी है, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।